नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलने वाले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कभी कश्मीर तो कभी मोदी पर निशाना साधने वाले अफरीदी ने अब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ जहर उगला। अफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम ने भारत को इतनी बार हराया है कि वे मैच के बाद उनसे माफी मांगते थे। लेकिन अफरीदी के बयान में कितनी सच्चाई है, ये आंकड़े देखकर आपको खुद ही पता चल जाएगा। अफरीदी ने 1996 में पाकिस्तानी टीम में डेब्यू किया था और उन्होंने वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 4 मुकाबलों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया और हर बार भारत ने जीत हासिल की। इसके अलावा वर्ल्ड T20 में भी 5 मुकाबलों में पाकिस्तान को शिकस्त मिली। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफरीदी के रहते भारत के खिलाफ 8 T20 मैच खेले, जिसमें से 7 मैचों में भारत को जीत मिली, यानी पाकिस्तान ने सिर्फ 1 मैच ही जीता है। वहीं वनडे की बात करें तो अफरीदी ने भारत के खिलाफ 67 मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की, जिसमें पाकिस्तान ने 36 मुकाबले जीते और भारत ने 29। यहां पाकिस्तान का पल्ला भारी नजर आता है, लेकिन बीते 10 मुकाबलों की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को 7 बार हराया है और पाकिस्तान को सिर्फ 3 बार जीत मिली। वहीं भारतीय टीम से माफी मंगवाने वाले अफरीदी की भी बात कर ली जाए तो अफरीदी ने 398 मैचों में 8,064 रन बनाए और उनका बल्लेबाजी औसत 23.51 का रहा। लेकिन भारत के खिलाफ उनके वनडे इंटरनेशनल रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने 25.40 के औसत से रन बनाए। वहीं अफरीदी की गेंदबाजी पर नजर डालें तो उन्होंने 395 वनडे विकेट भी लिए हैं और उनका गेंदबाजी औसत 34.52 का रहा। लेकिन भारत के खिलाफ उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय बल्लेबाजों ने अफरीदी की जमकर कुटाई की, क्योंकि अफरीदी का गेंदबाजी करियर औसत जहां 34.52 का है, वहीं भारत के खिलाफ ये औसत बढ़कर 60.52 का हो जाता है। वहीं करियर में 9 बार पारी में 5 विकेट लेने वाले अफरीदी भारत के खिलाफ 1 बार भी ऐसा नहीं कर सके। अब बात T20 क्रिकेट की करें तो पाकिस्तान ने अफरीदी के रहते भारत से सिर्फ 1 मैच जीता है, जिसमें अफरीदी ने नाबाद 3 रन बनाए थे और 26 रन देकर 1 विकेट ही लिया था। वहीं भारत के खिलाफ 8 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में अफरीदी ने कुल 53 रन ही बनाए। वहीं 52.25 के औसत से सिर्फ 4 विकेट लिए। अब बात टेस्ट क्रिकेट की करें तो अफरीदी ने भारत के खिलाफ 4 टेस्ट मैच ही खेले, जिसमें उन्होंने 1 ही शतक लगाया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन हारने के बाद माफी मांगता था। शाहिद अफरीदी, माफ करना, आंकड़े कह रहे हैं कि भारतीय टीम ने आपकी जमकर पिटाई की, जिससे आपकी बुद्धि थोड़ी फिसल गई। हमारी गुजारिश है कि आगे से ऐसी कोई भी बात करो तो पहले आंकड़े देख लें, वरना आप इतने तो समझदार हैं ही शायद।